दिल्ली में शीतकालीन सत्र का आज सातवां दिन है। वहीं राज्यसभा में सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने शून्यकाल के दौरान बच्चों और युवाओं में नशे की लत के विषय पर विषय उठाया। परोक्ष षड्यंत्र चल रहा है इस देश की युवा पीढ़ी। आज मैं एक ऐसे विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिसकी चिंता पूरे देश को है। आज एक ऐसा परोक्ष षड्यंत्र चल रहा है इस देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। युवा पीढ़ी में एमडी ड्रग ये परोसी जा रही है और कई प्रकार के प्रयास करने के बावजूद भी और इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। इसकी चिंता इन विपक्ष के नेताओं को नहीं है जबकि इनको होनी चाहिए। इनकी पीढ़ी भी बर्बाद हो रही है। आज स्कूल्स के बाहर एमडी ड्रग बेचा जा रहा है। मैं अभी पंजाब गया था अबोहर में और पंजाब में भी और आम ये समस्या है। कई प्रकार के नशा मुक्ति के आंदोलन चल रहे हैं, कई ऐसे प्रयोग चल रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों को बचाया जा सके, युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। मैं अभी गंगानगर गया था और गंगानगर में भी मैंने देखा कि वहां पर और 25 से 45 वर्ष के युवा 25 से 45 वर्ष के युवा और वो नशे की लत में और अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। ऐसे कैंप चल रहे हैं जिनमें नशा मुक्त करवाने का एक प्रयास कर रहे हैं। कई ऐसी प्रकार की संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं भी इस प्रकार का प्रयास कर रही है कि इस नशे से उन बच्चों को उन युवाओं को बचाया जा सके। ये चिंता आज देश के सभी लोगों को है।